वीडियो को आज लास्ट तक देखिए। ये एक ऐसी टीचिंग है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इवन यूट्यूब पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैंने इस विषय को लेकर जो चैप्टर मैं आज टच कर रहा हूँ बाइबल का, उसे मैंने आज तक कभी टच नहीं किया था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन की इस वर्ड के लिए, और मैंने वहाँ पर कुछ लर्न किया। और ये पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए भी है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज का वर्ड आपको शायद इतनी इनकरेजमेंट न दे, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ, ये आपके लिए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि मैं 10 मिनट के बाद वो वर्ड स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे 10 मिनट पहले बहुत सारे यूथ ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स ने सालों से मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर मैं आज वीडियो में दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम अन्य भाषा नहीं बोलते, हमारे पास टंग्स नहीं है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल इस बात पर बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वरदानों में एक वरदान अन्य भाषा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे वो वरदान मिला है। मैं कई बार जब पर्सनल प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर से विनती करता हूं कि मुझे वो लैंग्वेज दे और मैं उसमें बात करता हूं। बट कई सारे लोग इन दिनों में जिनके पास अन्य भाषा नहीं है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। मैंने कोई गिनती तो नहीं रखी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब से मैं प्रभु में आया हूं आज तक हजारों लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कि मैं जब सेमिनार्स लेता हूँ। आई वॉज इन दिल्ली, 3 महीना पहले मैं दिल्ली में था, और उसके बाद मैं पंजाब गया था, उससे पहले मैं उड़ीसा में था। तो बहुत सारे यूथ जब मीटिंग पूरी हो जाती है तो ये सवाल लेके मेरे पास आते हैं, और हो सकता है आपके अंदर भी ये सवाल हो कि ब्रदर मुझे टंग्स नहीं है, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूँ। और कई सारे लोग ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आपके पास अन्य भाषा भी नहीं है। मैं आपको एक ऑसम थिंग बताता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं बोल पाते। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, पर मैं कभी भी, मैंने ये देखा है कि जो लोग नहीं बोलते या जिनके पास ये वरदान नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं एक दूसरे की, जब वो देखते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स कह रहा है तो वो वर्ड्स खुद भी कहते हैं, इट्स रॉन्ग। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा सिखाओ, अन्य भाषा सिखाने की चीज नहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा है जब वो आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए तब वे बोलने लग गए। इट्स नॉट अपॉन यू, ये आपके ऊपर नहीं है, ये परमेश्वर बुलवाता है, ये अननोन थिंग है। मैंने कलीसिया के अंदर कई लोगों को देखा कि उनके पास अन्य भाषा नहीं है, लेकिन मैंने उनके अंदर एक चीज देखी, उनके अंदर बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। उन्हें लोगों ने गालियां दी हैं, लेकिन उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया उनको। लोगों ने उनकी चुगलियां मारी, लेकिन उन्होंने कभी जाके उनसे फाइट नहीं किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स मैंने उनके अंदर देखे हैं जो मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस में नहीं देखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को वरदानों से भरूंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताता हूं, बाइबल में कहां मेंशन नहीं है कि यीशु ने कभी अन्य भाषा में बात की थी। मैं इस बात पर भी बिलीव नहीं करता कि अगर यीशु ने अन्य भाषा बात नहीं की थी तो मैं भी इसको रिजेक्ट करूं, क्योंकि पॉल के लेटर्स में लिखा गया है कि यस, ये एक वरदान है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जो अन्य भाषा बोलते हैं सिर्फ उनके पास ही पवित्र आत्मा है। मैं आपको बाइबल में ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा पाने से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस के घर के अंदर जब पाकरू उतरा तब वे भविष्यवाणियां करने लगे, टंग्स में बातें करने लगे, अन्य भाषा बोलने लग गए। तो कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं। प्लीज, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चाहे आप कहां से भी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, दिल्ली से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, या आप मुझे भारत के बाहर से क्यों ना देख रहे हैं,
अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वो अकेला है जो उसका बेटा है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिनके पास भी ये ईमान है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पास पवित्र आत्मा है। और जैसे जैसे हम इस बिलीव में चल के खुदावन के करीब जाते हैं, वो हमें भरता है और एक दिन हम अन्य भाषा में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, आजकल इशू ये है, 9 साल के बच्चों ने भी यूट्यूब पे प्रीचिंग करना स्टार्ट की है, जिन्हें बाइबल का ABCD भी नहीं पता है और वो जस्ट कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी क्या भी बोलते रहते हैं, ये है वो है। और बेचारे जो नए नए लोग हैं, जो बेचारे बढ़ी रहे थे, वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। पॉल भी कहता है कुछ लोगों का नाम लेकर कि ये यह बोल के भटक गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। आपने देखा होगा इन दिनों में एक और टीचिंग आई हुई है जिसका नाम है पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। कुछ चाइनीज लोग, कोरियन लोग आपको दिखाई देंगे जिनको, जो ये प्रचार कर रहे हैं इन दिनों में कि यीशु आके चला गया है। बड़ी बात है, इनको नहीं लेकर गया है। आजकल ये भी टीचिंग चल रही है। आप और लोग भी देखेंगे जिनका नाम है इन दिनों में जहोवा विटनेस, वन ऑफ द फॉल्स टीचिंग। मैं आपसे विनती करता हूं दूर रहिए इन शिक्षाओं से। मैं आपको फिर से कहता हूं, जितने भी लोग रॉन्ग टीचिंग प्रीच कर रहे हैं, मैं आपको फिर से कहता हूं, लोगों से नफरत मत कीजिए। रोमन कैथोलिक लोगों से भी मैं प्यार करता हूं, जो भले ही एक सिद्धांत को एक अलग वे में लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि मरियम को पूजना, मरियम को करना, मैं मरियम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं कि मरियम के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। हम बहन मरियम की, उस माता मरियम की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैं हमेशा अपने चर्च की बहनों को इनकरेज करता हूं कि देखो खुदा ने उसे कैसे चूज किया, जीसस उसके अंदर आया। लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती है कि वो खुदावंद है, या बाइबल कभी टीच नहीं करती कि उसके द्वारा खुदा के पास जाओ। ये एक इंसानी सिद्धांत है। हम रोमन कैथोलिक लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी टीचिंग वो एक टोटली डिसएग्री। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जहोवा विटनेस लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी अलग डिनोमिनेशन का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करें, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर हम प्यार करें तो हम उनकी बातों को भी सुने। कई सारी उनकी टीचिंग्स हैं जो बिल्कुल अनबिब्लिकल, टोटली जिसका न सर है न पैर है, हम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग ये प्रीच करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, और जब भी लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं तो ये क्वेश्चन उनके सामने रखता हूं, आप भी रखिए ये वर्ड अपने आप में रखिए हमेशा। 2 कुरिन्थियों और उसका 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये स्क्रीन पर है आपके। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 3, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इट मींस जिससे पवित्र आत्मा मिला है वो कभी भी यीशु के विरुद्ध बात नहीं करेगा। यहां लिखा है कि वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। और उसके बाद सुनिए, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। खुदावन ने एक बार रसूलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने अपने चेलों से पूछा। उन्होंने कहा, कोई तुझे यर्मिया, कोई तुझे ये, कोई तुझे वो, कोई तुझे जॉन द बैप्टिस्ट, कोई तुझे मरे हुए में से जी उठने वाला कोई कहता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, उनका ईमान था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जानते हैं उसके बाद यीशु ने पतरस से क्या कहा, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। जो भी लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु परमेश्वर का मसीह है, वो उसका बेटा है, आप जानते हैं इतने सारे ईश्वर आज हमारे आसपास दिखते हैं, लेकिन आपने ये बिलीव किया है कि वही खुदा है, वो उसका बेटा है। ये बिलीव आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, ये बिलीव आपका नहीं है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज लोगों को डिस्करेज करना बंद कीजिए। लोग ऑलरेडी बेचारे थके हुए हैं। मुझे आज भी पता है कि एक व्यक्ति मुझे मिला तो उसने बोला मैं चर्च जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ एड्रेस दो, क्योंकि वो हमारी चर्च से बहुत दूर रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास कोई चर्च है, तो उसे 4-5 नाम बताए चर्चेस के। और जब मैंने वो चर्चेस की सर्च किया तो कोई कौन था कोई कौन था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको किस चर्च में भेजूँ, आखिर कहाँ से राइट टीचिंग मिलेगी। तब मैंने उसको एक चर्च में भेजा तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ पर जीसस के लिए कोई बात ही नहीं हो रही थी, कोई और टॉपिक्स प्रीच हो रहे थे। फिर वो दूसरी में गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, उसने कहा ब्रदर खुदा एक है, हम इतने भटे हुए क्यों हैं। तब फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक बहुत दूर कलीसिया थी जो मैंने उसको रिकमेंड की थी कि आप वहाँ जाओ, वो बेचारा 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल करके वहाँ पर जाता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक वो व्यक्ति जिसके पास ये बिलीव है उनके पास पवित्र आत्मा है। इस टीचिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें कि अगर कोई आपको कहता है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और देखिए हमारी फाइट्स जो हैं किसी के साथ नहीं है। अगर वो कोई और वर्ड कोट करते हैं कि ऐसा लिखा गया है कि जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लग गए, ठीक है मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ, लेकिन इस वचन का क्या? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले गए एक वचन से नहीं, हर वचन से जीवित रहेगा। आपको बाइबल समझने के लिए सिर्फ एक वर्ड की जरूरत नहीं है, आपको सारे वचन समझने पड़ेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं आप में से सिर्फ लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, वो अकेला उसका बेटा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन, परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब उसमें बढ़िए, फास्टिंग में जाइए, प्रेयर में जाइए, वर्शिप कीजिए प्रभु की, वचनों को पढ़िए, अपने कलीसिया के अंदर स्ट्रांग लोगों के साथ जो सिर्फ प्रभु की संगति में यहां वहां की बातें नहीं लेकिन वचन की बातें करते हैं उनके साथ फेलोशिप कीजिए। इस तरह ग्रो कीजिए, अपने खुदावन को पहचानिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है।